नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सेकंड राउंड के लिए वैकेंसी ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, सभी को पता होगा। तो वीडियो में चलिए वो तो बताएंगे ही कि वैकेंसी पोजीशन आ गई है, लेकिन डिस्कशन करेंगे कि सेकंड राउंड के लिए कितनी वैकेंसी है, सेकंड राउंड के लिए किसको क्या करना चाहिए, क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। दोस्तों सभी को पता है कि वैकेंसी कैसे देखनी है, आपके पोर्टल पर ही लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन है वहाँ पर उन्होंने लिंक दी है, आप उसे लिंक पर जाकर आप क्लिक करके जा सकते हो आगे, तो आपको वैकेंसी का पेज मिल जाएगा। आप पूरे रीजन वाइज या फिर आपने जो भी कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए होंगे उनकी वैकेंसी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी अभी भी है। तो बहुत सारा शिफ्टिंग होने का भी चांसेस है सेकंड राउंड में, तो आपने अगर ऊपर के 10-12-5-6 कॉलेजेस भी अगर आप ट्राई कर रहे हो वहाँ पे कहीं पे अगर आप हो तो पूरी आपकी संभावना है कि आपको नेक्स्ट कॉलेज या फिर नेक्स्ट ब्रांच आपको मिल जाए। तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट राउंड में जिसका अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो सेकंड राउंड में आपके पास अच्छा खासा चांस है। लगभग आपने कहा तो 20-30% तक भी वैकेंसी अभी भी खाली है कुछ ब्रांचेस की। देखिए अगर आप कोई दूसरी ब्रांच टारगेट कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि अच्छी खासी वैकेंसी है और वही ट्रेंड है पिछले साल की तरह, या फिर सालों दर साल जैसे चलता आता है वही पोजिशन है। तो उसमें कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं, उतने सीट जैसे कि थोड़ा सा आगे पीछे उतना ही रहता है, उतना ही इस साल भी है। तो चलिए वैकेंसी है तो थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि अभी भी अच्छी खासी सीट्स आपके लिए अवेलेबल है, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको अभी भी अपग्रेड मिल सकता है, बेटरमेंट हो सकती है। और मुझे लगता है कि जनरली 70-80% स्टूडेंट्स बेटरमेंट के लिए जाते हैं, और उसमें से जैसे कि आपको पता होगा फर्स्ट राउंड में ओनली 5-10 या फिर 15% तक ही रिपोर्टिंग हुआ है, ज़्यादातर बच्चे फ्रीज नहीं करते हैं, वो बेटरमेंट के लिए जाते हैं और वैसा ही हुआ है। और इसीलिए आपको बेटरमेंट मिलने के भी चांसेस इस आपको सेकंड राउंड में मिल जाएंगे, तो वो भी एक बात है। तो आपको अभी भी थोड़ा सा आपको उस पर स्टडी करना होगा कि पिछले राउंड में आप कितने दूर रह गए आपके टारगेट से, कितना दूर है वो, बीच में कितनी मेरिट नंबर्स है, बीच में आपको कितना अंतर है, तो वो थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप और अगले राउंड में आप कितने दूर जा सकते हो। जिनको सीट नहीं मिली थी उनको भी एक सीट पाने का अच्छा मौका है। कुछ भी हुआ हो पहले राउंड में, आपका ऑप्शन फॉर्म गलत हुआ हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हो, आपने बहुत कम ऑप्शन दिए हो, या फिर आपने कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन ही दिए और उसके बाद दिए नहीं, या फिर आपने गलती की और ऑप्शन फॉर्म कन्फर्म ही नहीं किया, या फिर ऐसा हुआ कि आपने ऑप्शन फॉर्म भरा ही नहीं था, तो इस राउंड में भी आपको एक चांस है सीट पाने का। अगर आप चाहते हो तो अच्छा सीट भी इसमें पा सकते हो आपके स्कोर के अनुसार। तो याद रखना है कि आपको आपका स्कोर और फिर कॉलेज, इनका आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मेरा स्कोर कहाँ तक है और फिर उस स्कोर के अनुसार कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस आपको मिलने की शक्यता है। ऊपर के सारे कॉलेजेस, नीचे के एक दो कॉलेजेस जहाँ पे आप जा सकते हो वो आपने ज़रूर डालने चाहिए ताकि आपको सीट का चयन सीट अलॉटमेंट हो। तो चलिए थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादातर बच्चे बेटरमेंट को गए हैं और उनके बारे में थोड़ा सा हम सोचेंगे कि अगले राउंड में उन्होंने क्या करना चाहिए। तो सबको पता है कि एक बेटर सीट पाने का एक और मौका उनके पास है, पहले जो 3 राउंड होते थे अब 2 ही हो रहे, तो 2 ये लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई बेटरमेंट आपको नहीं मिलेगी और जो भी आपको अगले राउंड में मिलेगा वही फाइनल होगा, वो आउट ऑफ रीच होगा, आपको डायरेक्टली कॉलेज पे जाना है अगर आपको रिपोर्टिंग के लिए, तो ये आखिरी मौका है। याद रखिएगा, मैं सबसे सभी स्टूडेंट को बार बार, मेरे जो पिछले भी वीडियो अगर आप रेफर करेंगे तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि बेटरमेंट का अर्थ आप प्लीज़ समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे समझते नहीं हैं। तो मैंने बेटरमेंट के ऊपर स्पेशल वीडियो भी बना है, मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने वो रेफर भी किया होगा। तो बेटरमेंट का आपको अर्थ समझना होगा कि जो आपको पहले राउंड में ऑप्शन मिला है या ब्रांच मिली है, कॉलेज मिला है, उससे अच्छा आप चाहते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कोई भी ऐसे करते हैं कि दूसरे राउंड में आप ऑप्शन भरते हो, दूसरे राउंड में आपको बेटरमेंट होती है और फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार पहला ही मुझे चाहिए था। तो ऐसी परिस्थिति कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जो आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो बेटरमेंट में वो आपका होगा बेटरमेंट का फॉर्म। उसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि आपको फर्स्ट राउंड में जो मिला है और आपने सेकंड राउंड में जो ऑप्शन डाले हैं वो सारे फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उससे अच्छे ही है,
और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपके मन में भी। जब आप बेटरमेंट वाले लोग सुनिएगा, जो लोग अभी बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछेगा, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन होता है उनको, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फर्स्ट राउंड में जो हमने फॉर्म भरा था और जिस नंबर का ऑप्शन, मतलब जिस ऑप्शन नंबर हमें मिला है, मतलब फिफ्थ कॉलेज आपको मिला है और आपने उसे बेटरमेंट के लिए डाला है, तो ऊपर के चार ही सिर्फ आपको बेटरमेंट के लिए रह गया ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। जो भी आपको ऑप्शन मिला है दूसरे राउंड में आप पूरा ऑप्शन फॉर्म नया भर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो अभी फिलहाल जो ऑप्शन फॉर्म है उसमें आपको जो चाहिए आप वो चेंजेस कर सकते हो। फिर एक बात ध्यान रखना है कि जो आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला है, बेटरमेंट सीट एक्सेप्ट की है आपने बेटरमेंट के लिए, उसे दोबारा उस सीट को आपको वहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डिफॉल्ट सबसे लास्ट में जब आता है, मतलब आपने 15 ऑप्शन दिए सेकंड राउंड के लिए, तो 16th आपका जो फिलहाल जो कॉलेज मिला है वो होगा और बाकी के 15 ऑप्शन उसके ऊपर होगी। और सीधा सीधा उसका मतलब ये होगा कि ऊपर के 15 ये ऑप्शन जो आपको करंट कॉलेज है उससे अच्छे हैं। सेकंड राउंड के फॉर्म में अगर आपने 4 ऑप्शन भरे तो आपका 5वां जो ऑप्शन होगा वो डिफॉल्ट आपका पहला वाला कॉलेज होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अगले राउंड में मुझे दूसरा ही ऑप्शन मिला है और मैं बेटरमेंट को जा रहा हूँ लेकिन मुझे एक ही फिर चांस रहेगा, एक ही ऑप्शन मेरे पास रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरे राउंड में भी आप ऑप्शन फॉर्म में जितने चाहे उतने ऑप्शन डाल सकते हो, कोई बात नहीं। पहले राउंड में आपका गलती हुई थी, आपने गलत ऑप्शन फॉर्म भरा था, इस राउंड में आप उसे ज़रूर सुधार सकते हो। तो ये भी गलतफहमी आपके मन से निकाल दो। जैसे कि मैंने कहा, आपको कभी भी ये परिस्थिति आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए कि दूसरे राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला है और आपको अब ऐसा लग रहा है कि पहले राउंड का मुझे अच्छा था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको खुद से पूछे, जब भी आप दूसरे राउंड के लिए कॉलेज डालोगे तो ब्रांच डालोगे, तो क्या मैं ये ब्रांच और ये कॉलेज चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज पर जाते हैं, ब्रांच देखते ही नहीं है और बाद में उनको लगता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो आप देख लीजिएगा, कॉलेज अच्छा लेकिन ब्रांच भी अच्छी, या फिर ब्रांच भी आपको जहाँ पे जाना है, क्योंकि आपको आगे ज़िंदगी भर उसी ब्रांच को आपको लेकर घूमना है, उसी ब्रांच को लेकर आपको करियर करना है। तो ब्रांच आप कॉलेज के चक्कर में आप ब्रांच भी ऐसी मत ले लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कॉलेज अच्छा है लेकिन ब्रांच उनको ऐसे मिलते हैं और बाद में फिर उनको पछतावा होता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक बात हो गई। और जैसे कि हमने उस पर डिस्कशन किया, इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे पूछिएगा। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई भी सीट नहीं मिली थी फर्स्ट राउंड में, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपने ज़रूर कुछ गलती की थी। अगर आपने ऑप्शन फॉर्म भर के भी अगर आपको सीट नहीं मिली थी तो आपने गलती की थी। और उसमें सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमारे मेरिट नंबर, हमारे मेरिट के हिसाब से हम कॉलेज नहीं डालते। आपको सब ध्यान में रखना होगा, जितने भी आपको परसेंटाइल आ गए हैं उसको आपको बाउंड्री लाइन पकड़ना होगा कि मेरी ये बाउंड्री है और उसके इर्द गिर्द के कॉलेजेस में ही मैं जा सकता हूँ। आपको उसके ऊपर के सारे कॉलेजेस डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑप्शन फॉर्म में उससे ज़रूर डाल सकते हैं लेकिन उनके मेरिट के हिसाब से डालना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनका मेरिट कम है ऐसी ब्रांचेस ऊपर डालते हैं, फिर नीचे आपने 250 भी ऑप्शन दिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो आपका गलत हो जाता है, आपको गलत कॉलेज मिल जाता है। जिनको मिलता ही नहीं वो लोग या तो बहुत ही कम ऑप्शन देते हैं या फिर ऐसे ऑप्शन देते हैं वो उनके पावर से बाहर होते हैं। तो आपको इस राउंड में क्या करना है, पहले राउंड के आप कट ऑफ देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक गए थे, आपको कहाँ तक जाना चाहिए, कौन से कॉलेज आपको मिल सकते, उसमें से ही अच्छे आपको ढूंढना पड़ेंगे। अभी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं चलेगा उस कॉलेज के बारे में, तो फीडबैक आपको मिल सकता है, आप उस पर थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं और आप अपने लिए अच्छा कॉलेज ढूंढ सकते हैं। आखिर कोई भी कुछ भी कहे, आपको अगर लगता है कि नहीं ये मेरे लिए ठीक ऑप्शन है तभी आप उसे चूज़ कर दीजिएगा। कोई भी अगर आपको दूसरा बोले तो थोड़ा सा आप आपके अपने मन से भी पूछे और फिर वो बात करें ताकि बाद में पछतावा ना होना पड़े। तो दोस्तों, मैं जैसे कि कहा कि जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला था वो अपने मेरिट के हिसाब से कॉलेजेस डाले, कम ऑप्शन डाले हैं तो ज़्यादा आप ऑप्शन डालिए इस राउंड में, क्योंकि अगला कोई राउंड नहीं, अगले जो भी सीट खाली रहेंगी वो चले जाएगी कॉलेजेस को और कॉलेजेस फिर उसे अगेंस्ट कैप राउंड के लिए जो भी स्पॉट राउंड लेंगे या फिर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड लेंगे, जो भी कुछ होगा उसके बारे में भी जैसे भी कोई आएगा अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपके मन में है सवाल कोई, नेक्स्ट जो सेकंड राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म कल से ही शुरू होगा, आपको मिल जाएगा, आप उसे भर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, उस पर जो चाहे आप बदलाव कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।